आपके खराब बोल रहे हैं क्या? हम पंजाब की अमन शांति की बात कर रहे हैं, हौसला रखिएगा। पंजाब गलने वाला है, हम आपको गलत नहीं कह रहे। ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा। जब पंजाब में आतंकवाद था आप कहां थे? कहां थे आप बताइए? क्या पंजाब के अंदर गोलियां खाई हमने? आपने एमएस बिट्टा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आतंकवाद के न केवल विक्टिम रह चुके हैं बल्कि चेयरमैन है ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के। बिट्टा साहब, आप किस तरह से देखते हैं इन तस्वीरों को कि पुलिस वाले पिट रहे हैं, तलवारें भांजते हुए लोग आते, गुरु ग्रंथ साहब का स्वरूप बस आगे रख लेते और पुलिस कुछ नहीं कर पाती? देखो गौरव जी, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी आरपी सिंह जी ने भी कहा तू मैं नहीं पढ़ना। अगर तू मैं पढ़ेंगे मैं तो उठ के चले जाऊंगा, मैं भुक्त भोगी। या शशिकांत जी ने भी बड़ी लड़ाई लड़ी अपने टाइम के ऊपर, कितने हमले सहे हैं, 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ है पंजाब में, 36,000 चार पांच साल के अंदर, 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ है, हजारों बहनों के सुहाग उजड़े, हजारों बच्चे यतीम हुए, गांव के गांव खाली हो गए, माँ कहां, पिता कहां, बच्चा कहां, हिंदू भाई छोड़ के चले गए, सेकुलर सिख छोड़ के चले गए, इकोनॉमिक सारा खराब कर दिया, खून की नदियां बह गई। 36,000 बेगुनाहों के कत्लेआम होने के बाद हम राजनीतिक लोगों ने, धर्म के ठेकेदारों ने क्या सीखा? गौरव जी मैं फिर कहूं, अगर इस डिबेट के अंदर हल्की सी भी राजनीति होती हम राष्ट्र के साथ धोखा करते हैं। अमित शाह जी ने क्या कहा था एक इंटरव्यू के अंदर? कुछ नहीं कहा, एक सवाल का सवाल जो पूछा कि पंजाब में खालिस्तान बनेगा, उन्होंने कहा हिंदुस्तान एक है एक रहेगा, सिर्फ छोटा सा शब्द कहा हिंदुस्तान के होम सेक्रेटरी ने। तो क्या कहा अमृतपाल ने? पहले इंदिरा गांधी मारी, अब अमित शाह को मारेंगे। और यह मैं आपको वीडियो सुना रहा हूं, परसों की वीडियो, पहले इंदिरा गांधी मारी अब बिट्टे को मारेंगे। मुझे यह बताओ ये टाइम हम ऐसे ही खराब करते रहेंगे कि एक दूसरे से बहस करके? अरे पंजाब के अंदर 36,000 लोग कम नहीं होते, और खत्म कब हुआ मैं आपको बताना। हरमंदर साहब को ढाल किसने बनाया था? भिंडरांवाले ने हरमंदर साहब को ढाल बनाया था, हथियार लेके वो चले गए थे। वो हरमंदर साहब, जहां हिंदू यहां मुसलमान यहां सिख यहां ईसाई नमस्तक होता है, उसको ढाल बना दिया। अब ये अमृतपाल ने क्या किया? गुरु ग्रंथ साहब, हमारा गुरु, सबसे बड़ा गुरु, उसको लेके ढाल बना के ये थाने में चले गए और थाने में जाके कब्जा कर लिया और वहां खालिस्तान के नारे लगाए, और आज भी खालिस्तान के नारे लग रहे। एक बात मैं बता दूं सबके, देश के लोगों को, खालिस्तान ना कभी बना था ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह जख्मी शरीर के ऊपर हमारी लाठों पे गुजर जाएगा। हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा। पर ऑल पॉलिटिकल पार्टी पंजाब कैसे ठीक हुआ पता? कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस, सीपीएम, सीपीआई एक मंच पे इकट्ठी हुई, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें राष्ट्र एक चाहिए, हमें बहनों के सुहाग उजड़ नहीं देने। एमएस बिट्टा साहब जवाब देना चाहते हैं, बिट्टा साहब जवाब दीजिए। गौरव की बात तो फिर वही होगी जो मैं कह रहा था और शशिकांत जी कह रहे थे। आपको पता है शशिकांत जी कौन है? इंटेलिजेंस के डीजी रहे जी, सुरक्षा, पूरी पंजाब की सुरक्षा के डीजीपी रहे, ऐसी जगह पे काम किया जहां टेररिज्म था। मैं आपको फिर कहूं, बड़े मुद्दे हैं, टाइम खत्म होने वाला है, हम बहस में ना पड़े। अब सेठी जी ने शुरुआत की, नरेंद्र मोदी जी के साथ दीप संधु की फोटो थी, इनको क्या जरूरत थी कहने की? मोदी जी के साथ तो लाखों करोड़ों की फोटो होगी। कल को उन्होंने फोटो दिखाई आरपी सिंह जी के साथ, आरपी सिंह जी ने फोटो दिखाई, मैंने ये भी कहा कि फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, मैंने ये कहा था फोटो दिखाने से कुछ नहीं होता। सेठी जी, अभी आज का दिन हाथ जोड़ता हूँ, हाथ ना आपसे ना बीजेपी से, हमारा को लेना देना, समझ गए ना? पंजाब में बम हम लोगों ने खाए, शशिकांत जैसे लोगों ने लड़ाई लड़ी है, 36,000 लोग शहीद हुए, हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं। हमें आने वाला वक्त नजर आ रहा है ना, आपकी सरकार पंजाब ने संताप भोगा है, दिल्ली में हजारों सिखों का कत्लेआम हुआ है, हजारों सिखों का कत्लेआम, हम खालिस्तान का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, तो खालिस्तान ना देश का कोई सिख समर्थन करता है, आप उसको डिबेट करिए। क्या हम आपके खराब बोल रहे हैं क्या? हम पंजाब की अमन शांति की बात कर रहे हैं, हौसला रखिएगा। पंजाब गलने वाला है, हम आपको गलत नहीं कह रहे।
ऑल पॉलिटिकल पार्टी को एक होना होगा, सर सबको चिंता है, मैंने सबसे पहले ये कहा सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, देश की सरकार अगर सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है, अगर सबकी कलेक्टिव आप पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, छोटी सी बात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए इसके ऊपर, नहीं नहीं लेकिन देश का मामला है, इस समय तो देश की सुरक्षा, जब पंजाब में आतंकवाद था आप कहां थे, कहां थे आप बताइए, क्या पंजाब के अंदर गोलियां खाई हमने आपने, पंजाब ने संताप सहा है, जो पंजाब 80% देश को फीड कर रहा था और बार बार संताप सहा है, आज भी इकोनॉमिकली वीक कर रहे हैं कि साजिश है पंजाब की सारी इंडस्ट्री, आप इस समय राजनीति नहीं, एक इंडस्ट्री है, मेरा दोनों से निवेदन है, मेरा पंजाब को कमजोर कर, मेरा दोनों से निवेदन है, केवल 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 शशिकांत जी, क्योंकि राष्ट्रनीति की बात होनी चाहिए यहाँ, राजनीति की नहीं, शशिकांत जी जिस तरह से बात करने की कोशिश मत कीजिएगा, एबीसी आतंकवाद की आती नहीं, आज तक मैं चैनल में बहस कर रहे, मेरे से बात करोगे आप, बिट्टा साहब जवाब दीजिए, जिस तरह कोई भी मुद्दा हो वो फिर खालिस्तान की बात करने लग जाते हैं लोग, बात सड़कों पर उतर कर, मैं आपको बताता हूँ, अभी आपने शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह जी का जिक्र किया गौरव जी, जी जिसका काबल कंधार तक राज का, जी जिसकी फौज का जनरल था हरि सिंह नलूआ, माए कहती थी बच्चा सोजा नलूआ आ गया, काबल कंधार तक राज, अभी कुछ दिन महीने पहले लाहौर में उसके स्टैचू के टुकड़े टुकड़े कर दिए, अभी ननकाना साहब के अंदर अपमान हुआ, को फिल्म स्टार आके सिगरेट जूते लेके अंदर आ गए, चुप सिख भाइयों का डॉक्टर का कत्लेआम कर दिया जाए, अमृतपाल चुप, बड़ी बात मंदिरों के ऊपर, बड़ी बात आपने की है।